नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कल हमने रिट परीक्षा से संबंधित जितने भी आपकी जिज्ञासाएं हैं और प्रश्न हैं उनका समाधान करने का एक वीडियो बनाया था, लेकिन एक सवाल और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और वो छूट गया था हमसे, तो उस पर आज का ये वीडियो है। दोस्तों, ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो मतलब बीएड सेकंड ईयर में है या जो बीएसटीसी फाइनल ईयर में है या बीएड फाइनल ईयर में है, वो क्या रिट के एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, वो प्रमोट हो गए हैं, वो क्या एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, और होंगे तो उनके लिए वो लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट तक उनके पास डिग्री होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, या एग्ज़ाम का रिजल्ट आने तक उनके पास योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस संबंध में जो ऑफिशियल रिट 2017 का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, उसमें देखिए दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिट 2017 का नोटिफिकेशन है, तो यह ऐसा कैसा 2020 की वैकेंसी आएगी उसमें होगा। रिट 2017 में बैठने के पात्र वह अभ्यर्थी होंगे, उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स रिट 2017 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया हो। यानी कि दोस्तों, रिट एग्ज़ाम अगर फरवरी में होता है तो फरवरी तक आपके पास योग्यता होना जरूरी नहीं है। रिट का जब रिजल्ट आएगा, जनरली 3 से 4 महीने में रिट का रिजल्ट आता है एग्ज़ाम होने के 3 से 4 महीने में, तो तब तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है बीएसटीसी फाइनल ईयर की या फिर बीएड फाइनल ईयर की, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के योग्य होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।